कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों को जो ही विपक्ष में बिठाइएगा और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दी। सर पर गैस सिलेंडर हाथ में चूर लिए दिल्ली की सड़कों पर गरीबन के लिए न्याय मांगने वाली स्मृति ईरानी अब की बार कन्हैया कुमार के हत्थे चढ़ गई। कन्हैया कुमार ने मैडम ईरानी की जमकर क्लास लगा दी। वैसे कन्हैया कुमार का हर बयान अपने आप में जोरदार और जबरदस्त होता है, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार ने स्मृति ईरानी को निशाने पर ले लिया और मैडम की पुरानी हरकतों को याद दिलाते हुए एक के बाद एक वार कर दिए। दरअसल इन दिनों देश में महंगाई चरम सीमा पर है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं, वो सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है। इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने मैडम ईरानी को आरे हाथों लेते हुए कहा, अभी मैडम साहिबा को महंगाई नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही इनको विपक्ष में बैठा दीजिए, सिलेंडर लेकर बाहर मिल जाएंगी, तब रोजगार की बातें शुरू कर देंगी। में बिठाइए भाजपा को, जो ही विपक्ष में बिठाइएगा और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब जो ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा। कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि महंगाई, भाजपाई, दंगाई ये सब एक जैसे हैं। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है ये आप लोग से छिपी नहीं है, जनता त्रस्त है। अब तो ऐसा लगता है कि हमने सरकार नहीं खून चूसने वाला सिरिंज चुन लिया है। बीजेपी के लोग निर्दयी हैं, आम जनता का दर्द इनको नहीं दिखता, सत्ता की घमंड से चूर हैं। आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते नेता कहते हैं हम अगले 50 साल तक शासन करेंगे। अरे साहब, इनको पता नहीं ये बिहार है, यहाँ के लोग उड़ती चिड़िया की कितने पर हैं उसको भी गिन लेते हैं। भाजपा तो अजय है, इसको हराया नहीं जा सकता है। ए साहब, ये बिहार है, संभल के रहिएगा, यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं। अपना आप सूटकेस लेके घूमते रह जाइएगा। हम अपना श्रम बेचते हैं, पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं, श्रम बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते हैं, इस बात को याद। जैसे ही कन्हैया कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने लिखा, कन्हैया कुमार जैसे नेता ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जो जमीन से जुड़े हैं और जुमलेबाज को उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। एक यूजर ने लिखा, वाह कन्हैया जी, अनपढ़ और पढ़े लिखे नेता में यही फर्क होता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, किसी भी नेता के भाषण में इंटरेस्ट हो कि ना हो, लेकिन युवा भाइयों को कन्हैया कुमार पर विश्वास करना चाहिए। ये बंदा कभी भी अपने भाषण में झूठे आरोप नहीं लगाता, फैक्ट और प्रूफ से बात करता है, ये शिक्षित नेता की असल पहचान है। तो कन्हैया कुमार की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।